बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साम ऑटोमोटिव वर्कशॉप कराची से खुश आमदीद। अच्छा जी, फाइनली उम्मीद करते हैं आप सब भाई खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त हम जिस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, ये गाड़ी ऑल्टो VXR ऑटोमेटिक 660 सीसी निशान मौका वाला, इसके अंदर इंजन डला हुआ है। और अब्दुलसमद भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो अपनी गाड़ी की इस वक्त खुद फाइनल टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। अच्छा, इस गाड़ी की एक थोड़ी सी एक बैड स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करते हैं हम। ये गाड़ी जो है हमारे पास आई थी ऑटो होने पर, इत्तिफाकन हमसे ऑटो नहीं हुई है, ठीक है जी। तो अब्दुलसमद भाई बताएंगे अब इसका। अब्दुलसमद भाई, आपने गाड़ी ऑटो करवाई, कितने की ऑटो करवाई? 2,40,000। अच्छा, 2,40,000। और हमने क्या पैकेज का अपना आपको रेट दिया था? 2,70,000। अच्छा, हमने 2,70,000 रूपए दिया था, यानी कि 30,000 रूपए का डिफरेंस था। और अब्दुलसमद भाई ने काफी तहकीकात की, हमसे भी सवालों जवाब किए। मतलब ऐसा नहीं कि वो फौरन से ही चले गए कि भाई आप इंजन कौन सा डालोगे, BCM कौन सा लगाओगे, गियर लीवर कौन सा लगाओगे, इंजन फाउंडेशन का क्या करोगे, फ्यूल पंप। तो हमने इनको फोन पे सारी चीजें बताई, लेकिन इनका दिल मुतमईन तो हुआ, लेकिन पैसों को देकर ये थोड़ा सा पीछे हुआ कि यार मेरा बजट अभी इतना है तो मैं 30,000 रूपए मजीद ज्यादा नहीं दे सकता। तो इन्होंने जो है अदर वर्कशॉप से गाड़ी को जो है अपनी ट्रांसफर करवा लिया ऑटो पे। तो फाइनली इनकी गाड़ी माशाल्लाह ऑटो हो गई। एक महीने तक तो बड़ी मजेदार चलती रही, लेकिन जो है एक महीने बाद फिर इनके साथ क्या हुआ, अभी अब्दुलसमद भाई खुद बताएंगे। जी अब्दुलसमद भाई, आपको यहाँ पे करेक्ट करूँ की एक महीने बाद ही, एक हफ्ते बाद ही। अच्छा, एक हफ्ते बाद ही? एक हफ्ते के अंदर ही परेशान था। अच्छा, परेशानी शुरू हो गई थी, क्या परेशानी शुरू हुई? सबसे पहले तो ये बताएं भाई, सबसे पहले तो इसका जो ऑक्सीजन वो था, इंजन लाइट थी, इंजन चेक लाइट वही बायपास करी हुई थी। कोई भी सेंसर खराब होता था तो वो शो ही नहीं करता था, शो ही नहीं करता था। इसका मैप सेंसर का मसला आ रहा था, इसका फ्यूल पंप बार बार खराब हो रहा था। अच्छा देखिए, नोट कीजिएगा, फ्यूल पंप बार बार खराब हो रहा था। और ये आप, अच्छा आप गए उनके पास जिनसे अपनी गाड़ी आपने ऑटो करवाई थी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया ये बताए ना हमारे नाज़रीन को, ताकि उनको पता चले कि उनकी सर्विसेज क्या है और हमारी सर्विसेज क्या है। भाई वो तो ऐसा था कि इंजन देने वाले भाई अलग थे और काम करने